जोधपुर के गणमान्य नागरिक हैं, विधायक, सांसद, निर्वाचित और मनोनीत राजनीतिक लोग बैठ कर रहे हैं। जयंती महोत्सव समिति जोधपुर द्वारा आयोजित प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल शोभा यात्रा का आयोजन दो दिवसीय आयोजन होगा। दो दिवसीय आयोजन के तहत प्रथम दिवस 25 जनवरी 2020 को हमारी श्री सिरिया देवी माता के दिन भर का कार्यक्रम रहेगा। सिरिया देवी माता मंदिर रातानाडा में, जिसमें सर्वप्रथम महिलाओं का कीर्तन होगा। उनके पश्चात रक्तदान शिविर का आयोजन चलेगा। रक्तदान शिविर के पश्चात हमारे सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। सुंदरकांड के पाठ के पश्चात दूसरे दिवस 26 जनवरी 2020 को श्री सिरिया देवी माता मंदिर रातानाडा में रथ का पूजा होगी। रथ की पूजा के पश्चात हरी झंडी दिखाकर वहाँ से शोभा यात्रा रवाना की जाएगी। वहाँ से रवाना होकर यहाँ नई सड़क घंटाघर पर सभी झांकियों को इस बार बुलाया गया है, और यहाँ से रवाना होकर शहर के मध्य मार्गों से होते हुए कंदोई बाजार, कटला बाजार, जूनी मंडी, कुमारिया कुआ, जालोर गेट होते हुए सदापुरा बी रोड होते हुए गांधी मैदान में जाकर विसर्जित होगी। शोभा यात्रा में कई आकर्षण के केंद्र होंगे, जिसमें शहनाई वादन, बैंड बाजे, सोजत की काचा घोड़ी, बल्होत्रा की आंगी गैर, पंजाब के भांगड़ा नृत्य, और इनके साथ शैक्षिक झांकियाँ और शैक्षणिक झांकियों के साथ समाज में कुरीतियाँ जो मिटाने हेतु झांकियाँ होगी, देशभक्ति की झांकियाँ होगी। इस बार विशेष 26 जनवरी को आयोजन हो रहा। इसी के साथ केशव कुमार कवाड़िया अध्यक्ष। ठीक, शॉर्ट एंड स्वीट में मतलब एक सेकंड बता दो सर। गणतंत्र दिवस और माघ शुक्ला बीज का अनूठा सहयोग है। ये इस शहर ही नहीं, पूरे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और जहाँ जहाँ भी हमारे समाज के लोगों का बाहुल्य है, वहाँ पे शोभा यात्रा का भव्य कार्य अंजाम दिया जाएगा। और जोधपुर की तर्ज पर पूरे भारत में सिरियादेवी माता जयंती महोत्सव समिति मनाई जाएगी, और हमने समाज रत्न पुरस्कार का प्रावधान इस वर्ष से प्रारंभ करने का निश्चय किया है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका परिचय? दशरथ कुमार कवाड़िया, संरक्षक श्री सिरियादेवी माता जयंती महोत्सव समिति।